नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं और इसी के साथ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व शुरू हो गया। तमाम लोगों के मन में सवालात होते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव इतने बड़े पैमाने पर क्यों होता है, क्या इसमें शामिल होता है, क्या नियम कायदे कानून होते हैं, और इसके बारे में जब समय समय पर लोग पता भी करते रहते हैं। चुनाव आयोग ने भी इस बार हर बार की तरह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नियम कायदे कानून क्या होंगे, कितने वोटर्स हैं, कितने लोग चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों के लिए चुनाव होगा, इसके साथ साथ किन किन राज्यों में चुनाव होगा। लेकिन ये चुनाव की जो व्यवस्था है, लोकसभा चुनाव की, जिनको आम चुनाव कहते हैं, उसकी व्यवस्था है, वो शुरू कैसे हुई? सबसे पहले जब किसी को कुछ नहीं पता था, देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान में आज़ादी आई और तय ये हुआ कि सरकार बनाई जाए, तो कैसे सब कुछ हुआ, कैसे इतने राज्यों में चुनाव हुए, कैसे इतने वोटर्स को बुलाया गया, क्या हुआ, ये मन में सवाल आता होगा। तो आज की कहानी इसी बारे में है कि आखिरकार जब ये चुनाव होने की परंपरा शुरू हुई भारत में, तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई, क्या क्या मुश्किलें आईं और कैसे शुरू हुआ चुनाव। बहरहाल, लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। इस आम चुनाव में 96.88 करोड़ मतदाता अपनी सरकार चुनेंगे। साल 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव, उसमें क्या चुनौतियां थी, उस वक्त कितने लोग चुनाव लड़ रहे थे या कितने वोटर्स थे, ये भी बहुत अहम है, क्योंकि इस बार जितने वोटर्स हैं, पहली बार उससे कहीं बहुत कम वोटर्स थे, कैंडिडेट्स थे, चुनाव की सीटें कम थी और वो राज्य और वो जगह कम थी जहां पर लोकसभा चुनाव हुआ। लेकिन चुनौती बड़ी थी, वजह उसकी ये कि देश आज़ाद हुआ था, अंतरिम सरकार जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू थे वो बने हुए थे, लेकिन चुनाव कराए जाने के लिए तय हो गया था कि अब चुनाव कराए जाए। जवाहरलाल नेहरू ये भी चाहते थे कि चुनाव जल्द से जल्द हों, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, और वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में आज़ादी के बाद ये हो कि अंग्रेज देश छोड़ गए, उसके बाद भारतीय देश को संभाल नहीं पाए। तो इसके लिए ज़रूरी था कि कोई चुनी हुई सरकार आए जो कामकाज देखे, सारी व्यवस्था देखे, सब चीज़ दुरुस्त करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे, लोगों के विकास पर काम करे, लोगों के नौकरी, रोजगार, सेहत, एजुकेशन, इस सब पर काम करे। लिहाजा 1951-52 में जब पहली बार आम चुनाव की तारीखें आईं, तो उस वक्त तय हुआ कि चुनाव कराए तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित भी की जानी ज़रूरी हैं, क्योंकि अंग्रेज़ अपने तरीके से देश चला रहे थे। लोकतंत्र की बहाली के बाद तमाम चीज़ों की व्यवस्था करनी बाकी था। आपको बता दें कि जब पहली बार आम चुनाव हुए तो देश में वोटर्स की संख्या थी 17.32 करोड़, जो कि आज की संख्या से बहुत कम थी। आज की तारीख में वोटर्स के आंकड़ों में ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है, लेकिन उस पहले चुनाव ने भारत में लोकतंत्र की मजबूत नींव तैयार की, जिसमें 17.32 करोड़ वोटर्स थे। ये चुनाव इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार चुनाव की कवायद शुरू ही तब हुई 1951 में। चुनाव से जुड़ा सामान पहुंचाने के लिए कई जगह सड़कें बनानी पड़ी, नदी और पुल खड़े करने पड़े, गाड़ियों का इंतजाम करना पड़ा, उन बक्सों का इंतजाम करना पड़ा जिसमें बैलेट पेपर्स रखे जाने थे, बैलेट बॉक्स बनाने पड़े। कई जगह ऐसी थी जहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत सारे कम थे, लेकिन वहाँ चुनाव कराया जाना था, लिहाजा वहाँ पर व्यवस्था भी अलग तरीके से होनी थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं करने में बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। अंतरिम सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की। संविधान लागू होने के साथ ही चुनाव को लेकर के जल्दबाजी नेहरू ने दिखानी शुरू कर दी, ताकि संदेश सही जाए। खास तौर पर पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, उसकी तरह भारत में अफरा तफरी न मचे, किसी को संशय न पैदा हो कि आखिरकार चुनाव हो क्यों नहीं रहे, या भारत में हालात गड़बड़ हो जाए। लेकिन उसी साल चुनाव आयोग भी बनाया गया था। चुनाव आयोग भी पहली बार चुनाव के बारे में सोच रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था। वो भी उतना ही नया था जितना देश नया था। उसके सामने भी चुनौती थी कि आखिर क्या चीज़ कैसे की जानी है, उसका कोई अनुभव नहीं है। और नया नया बना हुआ चुनाव आयोग, जिसके पहले मुखिया थे, पहले चुनाव आयुक्त थे इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी सुकुमार सेन। जवाहरलाल नेहरू ने सुकुमार सेन को बुलाया और कहा कि जल्द से जल्द चुनाव करा दिया जाए। 1951 के शुरुआती महीने में ही चाहते थे कि चुनाव हो जाए, लेकिन सुकुमार सेन ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा, नेहरू जी, चुनाव इतनी जल्दी नहीं हो सकते,
क्योंकि हमें अपने देश में चुनाव कराने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी साख को बट्टा न लगे, यानी लोगों में मैसेज गलत न जाए और जो चुनाव होने के बाद सरकार बन के आए उस पर लोगों को पूरा भरोसा हो कि कानूनी तरीके से, पूरी व्यवस्था से, पूरे तरीके से इस सरकार को चुना गया है जिसको लोग चला रहे हैं। इसलिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जब सुकुमार सेन ने जवाहरलाल नेहरू से वक्त मांगा तो वो भी तैयार हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये बेहद ज़रूरी है। और उससे पहले सुकुमार सेन को कई तरीके के गुड़ागड़ित करने थे, इंतजाम करने थे। चूँकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उस वक्त भी साथ होने थे तो उसकी तैयारी अलग अलग तरीके से करनी थी। उस समय भारत में लोकसभा की 489 सीटें थीं और निर्वाचन क्षेत्र 401। इनमें से 86 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जिन पर दो जनप्रतिनिधि चुने जाने थे। एक सांसद SC या ST समुदाय का होना था, वहीं एक सीट ऐसी भी थी जहां से 3 जनप्रतिनिधियों का चयन होना था। सेन को लगभग 17.5 करोड़ आबादी के लिए वोटिंग का इंतजाम करना था और सबसे बढ़कर उनके बारे में सोचना था जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, अनपढ़ हैं, लेकिन उनको वोट देना है। उनके सामने सवाल ये था कि ये लोग दर्जनों उम्मीदवारों के बीच अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनेंगे कैसे, उसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता, केवल देख के समझ सकते हैं। पार्टियों की भीड़ के बीच अपनी पार्टी कैसे जान पाएंगे और कैसे तय करेंगे कि हमको वोट कहाँ देना है। कहाँ से आएंगे ऐसे कर्मचारी जो चुनाव करा सकें, क्योंकि देश तो इस अनुभव से पहली बार गुजर रहा था। यही सवाल दुनिया के सामने भी था और कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे थे और कई ने इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दे दिया, क्योंकि उनको इस बात की आशंका थी कि भारत इस चुनाव को ठीक से करा नहीं पाएगा। नए नए लोग, नए नए अधिकारी, नई नई व्यवस्था, नई नई सरकार और नया नया चुनाव आयोग, इन सारी नई चीज़ों के बीच में ये जो चुनाव होने जा रहा है जिसमें करीब 17.5 करोड़ लोग भाग लेंगे, उसकी व्यवस्था भारत जैसा देश नहीं कर पाएगा। ये पश्चिम की सोच थी। पश्चिम को ये लगता था कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर गड़बड़ हो जाएगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई होगी, क्योंकि वो मानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनपढ़ों का इतना बड़ा समूह है जो ना तो अपना नेता चुन सकता है, न ठीक से वोट डाल सकता है और ना ही सफलतापूर्वक देश चला सकता है। हालांकि इतने सालों का इतिहास गवाह है कि अंग्रेज़ों की ये सोच कितनी दकियानूसी थी, कितना गलत सोचा था। भारत ने न सिर्फ चुनाव कराया बल्कि इतने सालों तक पूरे देश को लोकतंत्र के रास्ते पर इस तरह चलाया कि पूरे दुनिया में तमाम देश भारत की तारीफ करते हैं। इस चुनाव में जो पहला चुनाव था 1951 का, उसमें भारत को अपना भविष्य ही नहीं बनाना था बल्कि दुनिया को इस बात का जवाब भी देना था कि आखिरकार वो जो सोचती है, जो दुनिया समझती है, खासतौर पर अंग्रेज, वो कितना गलत है। लिहाजा सुकुमार सेन की अगुवाई में, नेहरू के नेतृत्व में ये तैयारी शुरू हुई। हर चीज़ बड़े और भव्य पैमाने पर तैयार की जाने लगी। 16,500 क्लर्क 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए। इनको कड़ी ट्रेनिंग दी गई। 19.6 लाख पोलिंग स्टेशन बने। लगभग 20 लाख बुलेट प्रूफ बैलेट बॉक्स तैयार कराए गए। हर निर्वाचन क्षेत्र में हर उम्मीदवार के लिए अलग रंग का बैलेट बॉक्स जिस पर उसका नाम, चुनाव चिन्ह सब कुछ अंकित था। इस बॉक्स को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने के लिए पहले उस गाँव तक सड़क पहुँचाई गई, क्योंकि बहुत से गांव ऐसे थे जो सड़कों से जुड़े नहीं थे, यानी मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े थे, लेकिन चुनाव तो वहां भी होना था, वोटर वहां भी थे, कैंडिडेट वहां भी थे। तो सरकार ने सबसे पहले उन जगहों को जोड़ने के लिए सड़क बनवाई, पक्की सड़क, ताकि गाड़ियों से, दूसरे साधनों से वाहनों से बैलेट बॉक्स पहुँच सके। गाँव तक सड़कें बनाई गई। यहाँ तक कि जो सबसे दूर जगह थी, यानी हिंद महासागर में एक छोटा छोटा द्वीप, वहां तक भी सामान लेकर के नावें गईं और उसके बाद चुनाव कराए गए। आंकड़ों में अगर देखा जाए तो पहले चुनाव में भारत में जो आजाद हिंदुस्तान में पहला चुनाव हुआ उसमें 17.32 करोड़ मतदाता थे, जो कि एक बड़ा नंबर था भारत के लिहाज से, तो और बड़ा आज की तारीख में। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां आज भी इतने मतदाता नहीं, लेकिन भारत में पहले चुनाव में 17.32 करोड़ मतदाता थे, जिसमें 44.87% वोटर टर्नआउट था, यानी कि लगभग आधे लोगों ने वोट डाला था। वो चाहते थे कि उनकी पसंदीदा सरकार चुनी जाए। इतने कम संसाधनों में भी वो लोग वोट डालने के लिए निकले और उन्होंने वोट डाला। पहली बार जो चुनाव हुए उसमें 489 सीटों के लिए चुनाव कराए गए, यानी 489 सीटों के लिए, लोकसभा सीटों के लिए चुनाव किए गए। कुल 1949 उम्मीदवार खड़े किए गए जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये लोग
वो थे जो चाहते थे कि देश की सरकार बनाए, उनकी पार्टी जीते और सरकार बने। 25 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ यह चुनाव 21 फरवरी 1952 तक चला, यानी कि करीब करीब 3-4 महीने, और इतने लंबे समय तक कोई चुनाव आज तक नहीं हुआ। इससे पहले कमीशन ने तय किया कि वोटिंग 1952 के फरवरी और मार्च महीने में होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील के लोगों को अक्टूबर 1951 में ही मौका मिल गया था वोट डालने का, क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी के चलते यह इलाका काफ़ी जगहों से कट जाता है। चुनाव के बीच में वहाँ पर तमाम बदइंतजामी हो जाती, इसलिए सबसे पहले फेज में, जिसको कहते हैं फेज वाइज चुनाव होना, पहले फेज में वहीं पर चुनाव कराए गए। चुनाव के बीच में नेहरू यूनेस्को के एक कार्यक्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने माना कि सरकार का सबसे बेहतरीन रूप लोकतंत्र ही है, और उसकी वापस आने के बाद पुरजोर वकालत की। लेकिन लोकतंत्र में उनको लगता था कि एक खतरा ये भी हो सकता है कि सोच में कमी, अज्ञानता, अवेयरनेस और हो हल्ला बदमाशी के बीच हो सकता है काबिल लोग चुने ही न जाएं, वो लोग पहुंच जाएं जो धन बल से, बाहुबल से या किसी और गलत तरीके से रास्ता अपना कर पहुँच सकते हों। लेकिन जिस दिन चीनी में कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने पहली बार वोट डाला, उस दिन के बाद लोगों को क्लियर हो गया कि लोकतंत्र में जो भरोसा है वो बहुत मजबूत है। और इसी के साथ भारत में लोकतंत्र की वो शुरुआत हुई जिसमें वोट डालने का काम शुरू हुआ। हर साल जिसमें लोकसभा के चुनाव, हर बार जिसमें विधानसभा के चुनाव, यहाँ तक कि पंचायत और निचले स्तर तक के चुनाव होने शुरू हुए। पहली बार जब चुनाव हुआ तो भारत में कोई भी संसाधन ऐसा मजबूत नहीं था जिसको कहा जाए कि वो ठीक तरीके से चुनाव कराने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज अपनी बिल्डिंगों को छोड़ करके अपनी तमाम टेक्नोलॉजी वापस ले गए, तमाम उन काबिल लोगों को ले गए जो अंग्रेज़ों की तरफ से सरकार चला रहे थे, उनका शासन चला रहे थे, और पीछे रह गए वो लोग जो भारत देश में रहना चाहते थे, वो जो चाहते थे कि उनका देश हो, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो चाहते थे कि उनका देश चले, उनकी अपनी अलग सरकार हो, उनका अपना वोटिंग सिस्टम हो, और उन विचारों वाले लोगों को छोड़ दिया, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे। ये जब पहली बार चुनाव कराने का फैसला किया गया, उसी वक्त ये तय किया गया कि अब जो व्यवस्था बनाई जाएगी वो साल दर साल दशकों तक ऐसी ही रखी जाएगी जिससे लोकतंत्र मजबूत होता रहे। इसीलिए आज भी लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों, उनमें पहले बैलेट बॉक्स से चुनाव होते थे, फिर उसमें डाक वाली व्यवस्था को भी शामिल किया गया, और अब ईवीएम से चुनाव होते हैं। लेकिन सबकी मंशा एक, सबका इरादा एक, सबका तरीका एक, और सबका मकसद है वो ये कि देश में स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार बने जिसमें हर मतदाता अपनी वोट डाल करके तय कर सके कि आखिरकार वो किसको सरकार की कुर्सी पर देखना चाहता है। लेकिन जब ये शुरुआत हुई 1951 में, तब मुश्किलें बहुत ज़्यादा थीं। बहुत से गांव ऐसे थे जो सड़कों से नहीं जुड़े थे, बहुत सी जगह ऐसी थी जहां बिजली नहीं थी, बहुत सी जगह ऐसी थी जहां गाड़ियां नहीं थी, बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर अधिकारी नहीं थे, जाने का रास्ता नहीं पता था, जंगल, दूर बियाबान, नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, सारी मुश्किलें थी। लेकिन अगले 6 महीने में चुनाव तय करने के बाद, अगले 6 महीने में इन सारी बाधाओं को पार किया गया, वो सारे इंतज़ाम किए गए, कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी रखे गए, लोगों को बाहर से बुलाया गया, बुजुर्ग और बड़े लोगों को मीटिंग करके तैयार किया गया कि कैसे कैसे उनके इलाके में व्यवस्था की जाए, कैंडिडेट्स से विचार लिए गए, हर पार्टी के कैंडिडेट से विचार लिए गए कि आखिरकार क्या व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, और इस तरह से लोकतंत्र के महापर्व का पहला चुनाव 1951 में हुआ, जो अक्टूबर 1951 से शुरू होकर के फरवरी 1952 तक चला, और उसके बाद सरकार चुनी गई, लोकतंत्र बहाल हुआ और भारत की सरकार ने अपना काम करना शुरू किया। तो बेशक ये कहानी हैरान करने वाली न हो, लेकिन इस बार की कहानी में लोकसभा चुनाव की शुरुआत का वो किस्सा, वो तरीका, वो बातें जो कि हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं, कैसे शुरू हुआ लोकतंत्र का ये महापर्व और कैसे आज तक उसका स्वरूप एकदम बदल चुका है। वोटर्स की संख्या बढ़ गई, कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ गई, तकनीक का सहारा बढ़ गया और सब कुछ ऐसा बदल गया, लेकिन एक चीज़ आज भी कायम है और वो ये कि लोकतंत्र में सबको वोट देने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है। तो आज की एक कहानी ऐसी भी में बस इतना ही, अगली बार फिर किसी कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।